अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक एजुकेशन इजी। स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिस्कस कर लिया था, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? अक्सर आपने मॉलिक्यूल्स में कंपाउंड्स में देखा होगा ऊपर चार्ज होता है, जैसे CO3 है तो -2, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कैसे, सोडियम के ऊपर हम देखते हैं Na+1, कैल्शियम +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को हम इसी तरह डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ चार्ज एन एटम विल हैव इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। क्या है कि नंबर ऑफ चार्ज, जो नंबर ऑफ चार्ज मतलब +1 है, +2 है, जो भी नंबर है चार्ज का, तो नंबर ऑफ चार्ज एन एटम, जो किसी एटम एन एटम विल हैव इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, जो उसके एटम के मॉलिक्यूल या कंपाउंड में जो नंबर ऑफ चार्ज होगा उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। एन एटम विल हैव इन इट्स मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड, मीन किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में, किसी भी एटम के मॉलिक्यूल और कंपाउंड में जो ऊपर चार्ज होगा +1 है, +2 है, उस चार्ज को हम कहेंगे हमेशा कि वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से एलिमेंट्स की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसके बाद हम रूल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन से एलिमेंट्स की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एलिमेंट्स एंड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर विल ऑलवेज बी +1। सिमिलरली ग्रुप 2A, देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज +2। ग्रुप 3, इट्स ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज +3। एंड नेक्स्ट अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन हमारे पास +1 होता है, बट एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड्स। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी हो जाती है, बट ये रेयर केस है। जो नॉर्मली है हाइड्रोजन की, वो हमारे पास +1 ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप 7A की भी हमारे पास -1 होती है। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन की, वैसे तो हमारे पास -2 होती है, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज होके -1 तक जाती है, बट दे आर एक्सेप्शनल केसेस। जो मेन है वो -2 ही रहती है, आप लोग -2 ही याद रखें, बट कुछ आगे जाके एक्सेप्शन आएंगी तो आप लोग ये ना कहें कि हमने तो ये पढ़ी थी 9th क्लास में, चेंज होगी, तो कुछ एक्सेप्शन हैं, लेकिन अभी आप लोगों के लिए फिलहाल -2 ही जो है वो परफेक्ट है, ठीक है। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मैंने आपको ये बता दिया, अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट यानी किसी एक की फाइंड करते हैं ना, फिर जरा आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा। जैसे H2O है, ठीक है, अब हम अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें तो देखिए हाइड्रोजन का हमारे पास 2 है, ये हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2, ठीक है, प्लस अब इसमें हमने फाइंड किसी करनी है, हमें कहा गया कि ऑक्सीजन की आपने फाइंड करनी है, तो जिसकी फाइंड करनी है उसके साथ हम X लगा देते हैं, ठीक है, इसकी हमने फाइंड करनी है, और हमेशा जब भी फाइंड करनी है तो वो 0 के इक्वल होगा, इस तरह की हमने इक्वेशन बनानी है। यानी हाइड्रोजन का हमने लिखा 2, ठीक है, हाइड्रोजन तो 2 हमने लिख दिया, हाइड्रोजन का वैसे एटॉमिक नंबर 1 होता है, वो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास 2 ही आएगा, बट हमने फाइंड किसकी करनी है, ऑक्सीजन की, तो जिसकी फाइंड करनी होगी उसकी जगह आप X लिख लें, ताकि अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि आप लोगों को डिफिकल्ट ना लगे, आप इजीली कर लें। अगर आप O लिखते रहेंगे ना, वो थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, जिस तरह आप मैथमेटिक्स में एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये सेम इस तरह का हो जाएगा, और इक्वल्स टू आपने 0 करना है, इस तरह की इक्वेशन बनानी है। अब क्या होगा, अब X तो प्लस है, ठीक है, 2 जहाँ पे प्लस था यहाँ पे जाके हमारे पास 2 माइनस हो जाएगा, यानी हमने दोनों जो है कॉन्स्टेंट इधर रख के वेरिएबल इधर कर लिए, तो 0 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2 ही आएगा। तो मीन्स हमारे पास वाटर में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है वो है हमारे पास -2। तो ये तरीका है इसको फाइंड करने का। अब कुछ रूल्स होते हैं, अब ये तो मैंने आपको सिंपल इस तरह के हैं, लेकिन कुछ इक्वेशंस आती हैं जिसमें आप लोगों ने बताना होता है कि किस तरह इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है। कुछ हम रूल्स पढ़ते हैं, वो रूल्स पढ़ने इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को 2 रूल्स बताऊंगी, ठीक है, रूल्स जो ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने के होते हैं। सबसे पहले कोई भी जो फ्री एलिमेंट या वो अनकम्बाइंड स्टेट में होगा, यानी कम्बाइंड नहीं होगा, अनकम्बाइंड स्टेट में होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो हमेशा क्या होगी, ऑलवेज रिमेन 0।
फ्री एलिमेंट कैसे, जैसे सिंपल हमारे पास जिंक आ गया, अब देखेंगे फ्री एलिमेंट है, अनकम्बाइंड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, सोडियम है, कोई भी ऐसे आपके पास मेटल या कोई भी एलिमेंट इस तरह आ गया है तो उसकी हमेशा हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, ये बहुत मेन पॉइंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है कि कुछ आयंस में, ठीक है, जिस तरह कोई भी आयन हो गया, जैसे हमारे पास आप एग्जांपल ले लें कि हमारे पास कैल्शियम है, तो कैल्शियम के ऊपर आपको पता है प्लस टू चार्ज होता है, तो जो ये चार्ज होता है ना, यही इसकी जो चार्ज है, चार्ज इज सेम एज ऑक्सीडेशन स्टेट, कि ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज सेम ही होगा। किन में जो आयंस होंगे, जो सिंपल आयंस होंगे, जैसे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम के अलावा सोडियम हो गया, सोडियम के ऊपर प्लस वन होता है, तो जो प्लस वन इसका चार्ज है वही उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ये दो मैंने अभी आप लोगों को पॉइंट्स बताए हैं, अभी इसके टू पॉइंट्स और हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं। पहले तो ये वाली जो इस तरह की मैंने आपको बताई है, इस तरह की हम भी अलहदा से करेंगे, और उसके अलावा जो हमारे पास इक्वेशंस में आएंगी कि हमने बताना है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, या ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।